ये है जमुना जी। अब तो हमें मैं होके चलना पड़ेगा। तो क्यों, इधर क्या हो गया है? अरे जी रास्ता बंद है, ये सीधा रोड दिखा रहा है कि सीधा जाओ, इसलिए कहते हैं मैप से कभी मत आया करो दोस्तों। अब ये देखो रोड दिख नहीं रहा है और हमको कहा कि सीधे उस तरह उस पार चले जाओ, उस पार। अब कैसे जाएं, ये देखो बीच में पानी गिरता है। कौन सा रोड पकड़ना है? वही रास्ता है ना जहाँ से हम आ जाते हैं। हाँ वही है, अपन अकेला करके आते। देखो बोर्ड ले हैं जे। हाँ अयो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं ना। हाँ वही है, चलो चलो। अरे वो है तो क्रॉसिंग देख वहीं पे तो। हाँ अब इतना देर हो गया यार, हम समथिंग अच्छा भाव उतार गया, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। हाँ अच्छा भाव उसने बता दिया था ना। ना दीदी से कौन थी? दीदी से यहाँ पे यार तुम्हें ड्यूटी लगवा देगा, मजे आ जाऊंगा मैं, दिल्ली भेज जाऊंगा। चलो तो हम पहुंच गए फिर से एक नई जगह, नए मूड को लेके आ चुके हैं। अरे यार ये जो पुलिस वाले हैं ना, हाँ भाई पहले देख एक एक बटा हुआ, खुला भी सुन तो सही। अपने अपने पापा के समय में तो फ्री में आते थे, फिर दो दिन फ्री हुआ, अब ऐसे करते करते अब ये हो गया है कि 30 की टिकट हुई थी और आज टिकट है 250 की। भैया बताओ तुम्हें, मैंने बोला भैया कहीं बेक वेक तो नहीं दिया इसे हमसे बिना पूछे, बोला ना बेका नहीं, 1000 की भी हो जाएगी। मैंने बोला अरे भाई इधर के रहने वाले हैं, दादा पर दादा नहीं बनाया है, हमारी तो फ्री होनी चाहिए। ये देखो कौन है, दिखा कुछ उधर? यस दैट्स आवर लोकेशन। मास्क तो किसी ने नहीं पहना है, बाहर हल्ला मच रहा था कि बिना मास्क के नो एंट्री। अब अंदर देखियो, ये सरकार से सवाल है मेरा। कहते ना सरकार से सवाल है। चलो तो तुम तो घूम लो, मैं तो पहले भी घूमा हुआ हूँ। उससे भी हम लोग निकास कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, सामने वाले किसी से भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी। वाओ तेरे को आना है ना 10 से 13 के बीच में, आइयो कभी। रुक जा आज हमारे साथ आए हैं चंद्रमोहन, जो 2 साल से सिर्फ फोन पे बात करते थे अपने भाई, आज पहली बार मिले हैं तो सोचा घूम ले। और ये हमारे साथ दूसरे ब्लॉगर पवन भाई। ब्यूटी वेलकम टू ताज महल। वेलकम टू ताज महल, ऐसी बोलते ना वाह ताज। अरे गायब हो गया ताजमहल, ये रहा वाह ताज। कैसे ये दुनिया का 7वां अजूबा है आज? आज पता है पवन भाई, 2 अजूबे एक साथ मिल रहे हैं, एक दुनिया का 7वां अजूबा और एक 8वां। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। भैया 250 की टिकट हो गई है ऊपर व्हाइट मार्बल पे चलने की। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम सब हैं ठलुआ आदमी, तो 50 रुपए की खाली नीचे की टिकट ली है, ठीक है ना, तो ऊपर नहीं जाएंगे। हमने क्या, सभी ने, ये जितने भी दिख रहे हैं हमारे साथ चल रहे हो सभी ने, सारे लोग नीचे की 50-50 वाले है। देख भाई हम यहाँ के निवासी हैं, ठीक है ना, दादा परदादा यहीं रहते थे, तो उन्होंने ये ताजमहल बनाने में जरूर कम से कम मजदूरी तो करी होगी यार, इसलिए मैं कहता हूँ अपने बाप का ताजमहल है और नहीं तो क्या।
अरे मैया बस खींचो खींचो करो करो मेहनत ऐसा जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ। एक समय था जब इसके ऊपर भी लोग जा जाके घूमते थे, पर एक बार क्या हुआ, ये जो पिलर्स दिख रहे हैं उस पर एक फॉरेन लेडीज छाता लेके खड़ी थी और इतनी तेज हवा आई कि वो उड़ के ऐसे गिर गई, समझ रहे हो। तो ऐसे फिर बहुत सारे हादसे हुए, इसलिए ये बंद ही कर दिए हैं सब कुछ, अब ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। पर यार मुझे जाना है, 100-200 ज़्यादा ले लेना, पर यार मुझे ऊपर ले जा। भैया अरे दोनों भैया, ओ मेरे प्यारे भैया, मैं क्या कह रहा था, हम भी ऐसा ताजमहल बनवाएंगे। तूने दो बियर पिए फिर भी तेरे को नशा नहीं हो रहा, ये क्या गलत बात है। अरे यार नहीं ऐसी बकचोदी नहीं यार, मैजिक मूवमेंट भी डाली थी ना, नहीं 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 सिग्नेचर चली थी। अरे यार बोल रहा ना मस्ती नहीं यार, मैं कह रहा हूँ हम भी ताजमहल बनवाएंगे। इसके पीछे मेरी कवर पहले आई है ना सेटिंग, इस पे अपनी कवर और क्या, अपनी कवर जस्ट इसके बाजू में। अरे ये चील को कैसे मस्त लगते हैं एकदम, देख ऊपर देख पाकिस्तान वाला वो है चंद्रमा और वो उसके ऊपर कलर्स जैसा कुछ दिख रहा है ना। और ये देख ये जो गेट पे ये जो लिखा हुआ है ये उर्दू में लिखा हुआ है कुछ, ये तो मेरे को किस, अरे ये जो गेट पे लिखा हुआ ना ये देख ये मतलब कि कहाँ है ये, इस गेट पे ये ऐसे जो स्क्वायर में जो लिखा हुआ है। और आपकी एक ताजमहल की एक खासियत है कि इसके तीन फेस है, तीनों तरफ से कहीं से भी आओ आपको ऐसा ही मस्त दिखेगा, और चौथी तरफ से अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा नहीं दिखेगा मतलब चौथी तरफ से एंट्री नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि चौथी तरफ तो अपनी ये है ना यमुना बंदर है ये देख। लला तेरा फोटो खींच लिया इन्होंने। अरे भाई मेरी फटती है यार, ओ यार देख धक्का मत दे भाई, बंदर है यार कुछ नहीं है कुछ। अरे नहीं करेगा, अरे लेकिन मस्ती की बात थोड़ी ना, नहीं करेगा। पहले हुमायूं आया, नहीं पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, और फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। इतना मैं अपने मेरे इतना तो मेरे अपने दादा का नाम भी याद नहीं है जितना इन्हें याद है। क्या हो गया हम सताए